तीसरी को कभी झारखंड राज्य का अभ्रक राजधानी कहा जाता था। अब चूंकि वर्षों से यहां पर अभ्रक का जो कारोबार है वो पूरी तरह से बंद है, ऐसे में जो अभ्रक से जुड़े हुए कारोबारी और मजदूर थे उनके आर्थिक स्थिति पर और दिनचर्या पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, तीसरी गांवा और कुछ भाग रोड से उतरी छोर सात आठ पंचायत देवी प्रखंड का मायका खदान है, यहाँ मायका का आमदनी होता था यहाँ और अभी भी और होता है, और आज नहीं हम लोग के पूर्वज भी मायका का काम करते थे और हम लोग भी मायका का काम करते थे, जिसमें यहाँ लीज रहता था, सीएमआई कंपनी का लीज था। जब सीएमआई क्रिश्चियन कंपनी यहाँ से चला गया, उसके बाद इस लीज को राजकुमार अग्रवाल आर के अग्रवाला इसको खरीदी किया था, पूरे यहाँ से लेकर तिलैया तक सारा लीज वही ले लिया सीएमआई कंपनी का, और लेने के बाद काम वो किया। जब देश आजाद हुआ तो 1980 तक उसका लीज था, लीज फिर दोहरा करके सरकार फॉरेस्ट में देना बंद कर दिया, और फॉरेस्ट में जब देना बंद कर दिया तब जो सो किसी प्रकार चोरी छुपे चलता था, और हाल फिर आज मैंने कम से कम 80 के बाद 40 वर्ष तक यहाँ मायका बहुत अच्छा से प्रोडक्शन हुआ। रोज मायका तो बंद हो गया खदान नीचे, क्योंकि मायका बड़ा बड़ा मायका नीचे चला गया सभी मायने, तो नीचे तो कोई कंपनी फिर लगा नहीं पाया क्योंकि लीज फिर मिला नहीं उसको, तो ऊपर में ढेबरा चुन करके यहाँ के बेरोजगार जो सदियों से मायका खदान में काम करता था उसका सभी बाल बच्चे काम करके अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन आज दो तीन वर्षों से यहाँ करीब लगभग चार पांच वर्षों से जब रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उसको क्या बाबूलाल मांडी से चिढ़ पैदा हुआ कि कैसे हुआ, सारा ढेबरा पर रोक लगा दिया, और रोक लगा दिया तो उस समय से यहाँ पर ढेबरा कारोबारी बंद है आज चार पांच वर्षों से। अभी क्या स्थिति है उन अभी लोग? यहाँ के जो भी गरीब मजदूर काम करते थे, जो नौजवान लड़के लोग थे, वो सभी बाहर पलायन कर गए काम करने के लिए, यहाँ कोई है नहीं। और यहाँ अगर यदि एका ट्रक कहीं ढेबरा को चोरे छुप के कोड़ता भी एका ट्रैक्टर तो कभी प्रशासन पुलिस के द्वारा आ तो कभी फॉरेस्ट के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिससे यहाँ के आदमी आत्मनिर्भर से बिल्कुल गरीबी के रेखा की ओर चले गए। सर क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग चाहते हैं कि ढेबरा चालू करे, ढेबरा चालू रहता था, यहाँ बहुत से लोग गुजर करते थे, गरीब लोग भी गुजर करते थे, और उससे जो व्यवसाय वर्ग से जुड़े थे उनका भी गुजारा चलता था। यहाँ पर कम से कम गांव और तीसरी मिला करके कम से कम 50,000 आदमी गुजारा करता था यहाँ, लेकिन आज सब रोड पर आ गए हैं। ढेबरा बंद होने से यहाँ की समस्या बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मैं दिनेश विश्वकर्मा ग्राम गुमगी तीसरी प्रखंड से हूँ, और यहाँ पर मैं समाज सेवी के रूप में काम करता हूँ। बात रह गया ढिबरा के संबंध में, तो ढिबरा यहाँ एक आज से नहीं, मेरे ख्याल से मेरा उम्र 45 वर्ष हुआ, और तब से जब से मैं होश संभाला हूँ तब से लोग को जीवा परिजन जो है जो ढिबरा से करते देखते आ रहे हैं। ये वर्तमान में इस सरकार की गलत नीतियों के कारण यहाँ पर जो है सो ढिबरा को बंद कर दिया गया है। अभी क्या स्थिति है लोगों? अभी ये स्थिति है कि आज दुर्गा पूजा गुजरा, मेला में कोई जान नहीं था, मेला फीका लग रहा था, ये छठ दीपावली भी हम लोग का जो है सो फीका नजर आ रहा है। मतलब जो बच्चों को जो चहल पहल देखते थे, जो लोगों के मुख में खुशियालियां देखते थे, वो गायब होता जा रहा है। अगर ये जल्दी को लागू नहीं किया जाता है तो आने वाले दिन में बहुत विकट परिस्थिति यहाँ पर आने वाला है। मेरा नाम सफीरुद्दीन अंसारी है, मैं रिटायर पारा टीचर हूँ। यहाँ का मुख्य स्रोत ढिबरा था। हेलो। और वो ढिबरा बंद होने के कारण लोग भुखमरी के कागार में आ गए, बहुत से लोग पलायन कर गए, गांव छोड़ करके चला गया। हम लोग सोचते हैं कि कब ढिबरा लागू हो जो कि रोजी रोटी चले, गांव में थोड़ा खुशहाली पैदा हो।